नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पम्मी सिंह और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। लेकिन सबसे पहले नजर राज्य की खबरों की ओर। तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय की ब्रेन सर्जरी हुई है। उनके ब्रेन में डॉक्टरों ने चिप लगाई है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर स्कूलों में बच्चों की ड्रेस बनाने में कट मनी लगाने का आरोप लगाया है। रामपुर हाटेर जॉइंट वीडियो वॉक टूते ममता बनर्जी के कॉम्प्रोमेंसेशन चेक दिए छेन, सही चेक नित्य मिले पीएम पोषणर अकाउंट अर्थात कैग रिपोर्ट होवार पर की की होय आपनारा जानेन। गवर्नर केस फाइल करे अगेंस्ट गवर्नमेंट, আমি যে তথ্য দিয়েছি আমি কনফিডেন্ট, যতই পরিষ্কার করুন না কেন মাথায় অ্যাপ্রন আর হাতে গ্লাভস যতই করুন না কেন গ্যাগ রিপোর্টে আপনাদের চুরি ধরা পড়বেই। ইতিমধ্যে স্টুডেন্টদের যে তালিকার সার্ভার সেগুলো বিভিন্ন ব্লকে সেটাকে জিরো করে দেওয়া হয়েছে। তার মানে একটা বিদ্যালয় 300 জন স্টুডেন্ট থাকলে 900 জনের মিড ডে মিলের টাকা তুলেছে এবং শিক্ষা কমিটি পঞ্চায়েত স্থানীয় প্রধান শিক্ষকদের একাংশ সব শিক্ষক নয় একাংশ তারা মিলে এই লুটের কাজ করেছে এবং মানরেগার মতো এই টাকাও নিচের তলায় তৃণমূল চুরি। हुगली में सड़क हादसे में बालागढ़ पंचायत समिति के सदस्य तृणमूल नेता तरुण सिंह की मौत हो गई है। बालागढ़ से ऑटो द्वारा जिराट लौट रहा था। एसटीकेके रोड पर पुनोई मोड़ के पास ऑटो और लॉरी की टक्कर हो गई। ऑटो में उसकी पत्नी काकुली सेन भी थी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो चालक घायल हो गया। सभी को उधार कर जिराट के अहमदपुर ग्रामीण अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने तरुण सेन को मृत घोषित कर दिया। मुर्शिदाबाद के हरिहरपारा पुल के पास इलाके में आलू से भरी एक लॉरी खड़ी की गई और वाहन की तलाशी लेने पर 145 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसके बाद चालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ा ब्रिज का सा धरा पड़ी दिए देखते तो गांजा धरा पड़ी धरे। देश विदेश से जुड़ी खबरों की ओर एक नजर। राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस साल मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के अवसर पर एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। सरकार ने मोटे अनाज को श्री अन्न नाम दिया है। अन्य खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।